बस गुलेमत, अलकरम, खाड़ी और बुनेंजा वगैरह की सब स्टिच उड़ती होती है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास खाड़ी के ट्राउज़र होते हैं, खाड़ी की ये वेस्टर्न होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एम्ब्रॉयडरी कुर्तियाँ होती है। अच्छा, चल एक सैंपल आप हमें दिखाएं जो हमने आपको एक यूट्यूब के सैंपल को दिखा सकते हैं। ये ना भाई खाड़ी खास को ये देखिए, ये जो है ये एक देखें खूबसूरत कुर्ती, कुर्ती कहेंगे इसको, शर्ट कहेंगे इसको, ये कुर्ती कहेंगे। ठीक है जी, खाड़ी खास की कुर्ती है। ठीक है जी, ठीक है। इसके टैग वाली होगी ना भाई, ये देखिए इसकी जो रेट है इसके 7000 के रेट है। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेल में देते हैं 2500 की। अच्छा, ये वैसे आपको मिलेगी 11000 2500 की। वैसे अच्छा, रेट के ऊपर जो है 7000 का रेट है। अच्छा, वैसे ये 7000 रुपये की शर्ट है और बाज़ार में आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये की। 2500 ये आपको 2500 रुपये में मिल रहा है, खादी खास का ब्रांड। हाँ, खादी खास का ब्रांड। और जो है ये आपको यहाँ से मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के अंदर। ठीक है, हाल ही के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है MTJM यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब का। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह बहुत जल्दी इन्होंने जो है ये बहुत जल्दी फेमस हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका। अच्छा, ये कितने की है कुर्ती? ये वाली कुर्ती जो है 1400 की है, 1400 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, ये देखें 1400 रुपये में आपको मिल रहा है। और ये भी जो है वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जो लोग ब्रांड पहनना चाहते हैं वो भी इस बाज़ार का रुख कर सकते हैं। ये आपको मिल रहा है, ये कितने की है? MTJ 1400 1400 रुपये की। अच्छा, ये MPJ है और ये आपको मिलेगी 1400 रुपये में। फुल तैयार है, ये स्टिच हुई भी है, देख रहे हैं आप इसकी जो है स्लीव्स में लेस वगैरह भी लगी हुई है, कंट्रास्ट में ब्लैक कपड़ा भी लगा हुआ है। और ये आपको मिल रहा है 1400 रुपये में, ये शर्ट आपको मिल रही है 1400 रुपये के अंदर। इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ये सिले हुए जो है ये स्टिच हुए हैं, ठीक है जी, तो इनके क्या प्राइस हैं, क्या मुख्तलिफ प्राइस हैं इन सब के? और प्राइस इसमें 1250 की भी कुर्ती है, इतनी 1250 का जो है आपके पास वो आप मुझे दिखाएं जी, ये 1200। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं कैमरे के अंदर, ये शर्ट आपको जो है वो सिली हुई शर्ट इस इतवार बाज़ार के अंदर 1200 रुपये में मिल रही है। ठीक है जी, जितनी शर्ट आपके सामने लगी हुई हैं ये तमाम की तमाम 1200 रुपये की हैं। और ये जो 1200 रुपये की आप शर्ट्स देख रहे हैं ये ब्रांडेड हैं, इनमें खादी की भी हैं आ रही हैं। ये आपको मिलेगी 400 रुपये की एक, और अगर आप ये तीन शर्ट ख़रीदना चाहते हैं तो ये 1000 रुपये की तीन मिलेंगी। ठीक है जी, ये अगर आप एक की बात करेंगे तो 400 रुपये की है, और वैसे बात करेंगे तो ये 1000 रुपये की तीन हैं। 1000 रुपये में तीन कमीज़ें आपको मिल रही हैं, और वो भी कलरफुल। 1000 रुपये में तीन कमीज़ें, ये भी 1000 रुपये में तीन, ये देखिए 1000 रुपये की तीन शर्ट है। अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी सिर्फ 400। सामने है ये प्रिंटेड है और ये आपको मिल रही है 600 रुपये में। ठीक है जी, और इसका ब्रांड जो है वो बनेंसा है। ये आपको मिल रही हैं 600 रुपये की, सिर्फ शर्ट आपको मिल रही हैं 600 रुपये की बाज़ार के अंदर, और इसका ब्रांड बनेंसा है। ये भी आपके सामने जो है ये भी 500 रुपये की है, और इसका ब्रांड भी जो है वो खादी है। ये शर्ट भी आपको खादी की 500 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये जितनी भी शर्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं ये सब आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएंगी, 500 पर शर्ट। हर कलर मौजूद है यहाँ पर, सिर्फ 500 रुपये। ये शर्ट भी आपको मिलेगी सिर्फ 500 रुपये की। सौ रुपये का ये पीस है, ठीक है, सही है। 150 के दो ये पीस हैं, ब्रांड के पीस ही हैं, कट पीस। दुपट्टे लगाए हुए हैं 400 रुपये की सेल में,
400 रुपये की सेल में दुपट्टे लगाए हैं। ये कैसे दे रहे हो ये सब? ये 250 का मतलब पूरा सूट दे रहे हैं 250 का। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ बताएं, आप इस स्टॉल पे खड़ी हुई हैं? हाँ, इस स्टॉल पे खड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगा ये 250 का पूरा सूट दे रहे हैं। मतलब नॉर्मली ये 1100 समथिंग मिलता है हमें अगर हम खड्डा मार्केट जाएं या तारिक रोड जाएं तब। अच्छा, वाकई इतना डिफरेंस अगर इसमें रेट का है तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट और ये मार्केट। अच्छा अच्छा, जो ख़वातीन आपको अभी देख रही है तकरीबन पूरी दुनिया में ही आपको देखा जाएगा, ठीक है जी, तो उनको आप क्या जो है वो एडवाइस करेंगे इस बाज़ार में अगर वो आएँ तो यहाँ क्या क्या मिल सकता है, ओवरऑल आप इसके बारे में बताएँ? यहाँ पर तो हर चीज़ मिलती है और जो हम मार्केट से कपड़ा लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। मतलब मार्केट में अगर आपको 1500 का मिल रहा है तो यहाँ समझ लें उसके हाफ प्राइस हैं। तो मतलब हर चीज़ ही मिलती है यहाँ पर, आप कपड़े ले लें, चादरें ले लें, बच्चों के कपड़े एग्जैक्ट यहाँ पर, मतलब सेमी और पूरे मतलब फुल स्लेवे कपड़े हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें मॉडर्न नज़र आना है, इसलिए वो लोग इतवार बाज़ारों का रुख नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट अगर उनका ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम खुद बहुत दूर से आए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बहुत सारी लेडीज़ बता दूँ जो शायद वहाँ से आती हैं डिफेंस वगैरह से, चीज़ बहुत अच्छी मिलती है इस वजह से। आपने नकाब कर लिया और आपकी शख्सियत बिल्कुल चेंज। आपके पास पीस नज़र आ रहे हैं? आप 50 रुपये मीटर का माल है, मैं दे रहा हूँ इतवार बाज़ार में 50 रुपये का पूरा पीस। अच्छा, ये तकरीबन कितना बड़ा होगा ये पीस? पाँच। अच्छा, तमाम जितने हैं वो सब 5 ही हैं? हाँ नहीं, कोई 6 भी है, कोई 7 भी है, सब 50 रुपये में दे रहा हूँ। अच्छा, किसी शादी कमीज़ के साथ अगर कोई अच्छी जो है वो आस्तीन लगानी हो, डिज़ाइनिंग करनी हो कपड़ों में, तो आप जो है ये 50 रुपये का पीस यहाँ से ले जा सकते हैं। ये फैंसी आस्तीने हैं जो कि सादे कपड़े में अगर आप लगाकर कोई अच्छी फैंसी कमीज़ बनाना चाहते हैं तो 50 रुपये के अंदर आपको ये इस स्टॉल से बासानी मिल जाएगी। ये जितने भी पीस आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये में आपको मिल रहे हैं। क्या लेने के लिए आई हैं आप? मैं यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, किसकी शादी है? भाई की शॉप। अच्छा, शादी के एतबार से ये बाज़ार कैसा है? बहुत अच्छा है। शादी की शॉपिंग करना चाहें तो चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ? बहुत इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, आप क्या 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 लिया है आपने आज? मैंने सूट्स होते हैं फैंसी सूट्स, यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और ये कि लॉन फैब्रिक बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे कि आराम से बंदा रिजनेबल प्राइस में ले लेता है। अच्छा, कितने अरसे से आप इस बाज़ार आ रही हैं? बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल तो हो गए। अच्छा, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं बाज़ार? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, हस्बैंड को एक ही दिन मिलता है इतवार का, उस दिन भी आप अपने साथ अपने शौहर को लेकर आई हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इनके बगैर शॉपिंग होती नहीं है ना। अच्छा, पैसे तो यही देंगे। एक ही दिन मिलता है, उसी में लेके आना है ना, वैसे तो मिलता ही। अच्छा जी, तो इनको लाने का मकसद ये है कि ये पैसे जो है वो ये देंगे और क्या, बैंक हमारा यही है इसलिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह दो क्यूट से बच्चे आपके साथ हैं, आपके माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अक्सर ऐसा होता है ख़वातीन जो है बाज़ार में बच्चों को लाने से अवॉइड करती हैं, तो आप माशाल्लाह शौहर भी, बच्चे भी, पूरी फैमिली बाज़ार में है, क्योंकि शॉपिंग इन लोगों की होनी, इनकी पसंद से करनी है तो इनको लाना ज़रूरी है। अच्छा जी, बेटा क्या ख़रीदा आपने? मैंने चश्मा और ज्वेलरी। अच्छा, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं यहाँ? हाँ, क्वालिटी है, देखिए यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी है, जिस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए यहाँ सब मिलेगी। मॉल्स में तो ये अमूमन अच्छी क्वालिटीज़ रखी जाती हैं, जाहिर सी बात है पैसे भी वैसे होते हैं, यहाँ ये कि आपको अपनी रेंज के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, तजुर्बा कैसा है, पहले कभी कोई चीज़ लेकर गए हैं इस बारे में? हाँ, बाज़ारों के तजुर्बे तो अक्सर कामयाब ही रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ारों से। अच्छा, जो ख़वातीन आपको देख रही हैं और वो चाहती हैं कि हम इस बाज़ार का रुख करें, अक्सर वो बेशतर लोग इतवार बाज़ार का रुख नहीं करते वो स्टैंडर्ड की वजह से ना, तो अगर वो लोग आना चाहें तो क्या उनको ब्रांड अच्छा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगी ज़रूर आएँ, बिल्कुल आएँ और यहाँ पे देखें, उनको अपने हिसाब से भी चीज़ें मिलेंगी, अपने उससे रेंज से और अपनी सोच से अच्छी भी मिलेंगी चीज़ें। हस्बैंड की तो संडे का एक ही दिन मिलता है ना, अगर देखा जाए मर्दों को, आप उस दिन भी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, वैसे देखा जाए ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो अकेले शॉपिंग करना पसंद करती हैं, इसमें क्या रीज़न है? नहीं, लेकिन मैं कहूँगी वाइफ्स को भी संडे का ही दिन मिलता है, क्योंकि आमतौर पर वो घर में बिजी होती हैं और इतवार में सब हस्बैंड भी फ्री होते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि चलो हस्बैंड घर पे हैं तो एटलीस्ट बाहर चले जाएं या बच्चों को देख लें, मतलब लेडीज़ को भी मैं कहूँगी कि इतवार का ही दिन मिलता है हस्बैंड के होते हुए।
ये था आज का इतवार बाजार, कैसा लगा आपको? इसमें किस तरह की चीज़ें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल अनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।